हेलो एवरीवन वेलकम टू जे आर एफ अड्डा मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो जिस डिस्कशन वीडियो के अंदर मैं आप सब बच्चों से डिस्कस करने वाली हूं एक ऐसा पॉइंट जिस पर जब से नोटिस ये रिलीज हुआ है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स है जिनके कमेंट्स आ रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं लगातार कि प्लीज मैम इसको आप समझा दीजिए हमको समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है कैसे हो गया है और जैसे कि थंबनेल पर मैंने लिखा अभी क्या क्या आप कंप्लीटली यूजीसी नेट का जो आप लोगों का पैटर्न है वो बदल दिया जाएगा या पूरी नए तरीके से नए रिफॉर्म्स हैं जो आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले हैं अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर आप लोग पी एच डी करना चाहते हो तो भी आपके लिए जरूरी है पीएचडी नहीं करना चाहते हो तो भी आपके लिए जरूरी है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप बनना चाहते हो जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है तो आइए डिस्कशन हमारा स्टार्ट करते हैं ऑल दो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी कमिट ये जो लिखा है उसे मैं डी कोड करके सुना रही हूँ जब मैंने इसे पढ़ा मैंने दो तीन लोगों से डिस्कस किया एंड ऑफ कोर्स कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो मेरे जानकार हैं मैंने उनसे बात की है ना एक मेरे प्रोफेसर जानकार हैं उनसे मैंने बात करी जब ये सारा कंक्लूजन मुझे मिला तो मैं फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको इतना बता सकती हूँ वीडियो के शुरू होने से पहले ही ये जो नोटिस है ये बहुत ही मुश्किल है डी करना बहुत सारे इनकम्प्लीट ओपन एंडेड बट फिलहाल के लिए लिखा क्या है सारी फसाद की जड़ क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ सबसे पहले तो ये देखिएगा पब्लिक नोटिस है जो की आज ही यानी कि मार्च ट्वेंटी को रिलीज किया गया है ठीक है मार्च 27 को इसको रिलीज किया गया अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों का जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ना उस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पर कुछ बातें हैं जो करी जा रही हैं और ये बातें इसलिए हो रही है कि पीएचडी एंट्रेंस के बारे में यहाँ पर कैसे इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो सारी बातें लिखी हुई है अब आप बोलोगे कि मैम पहले ये पूरी कहानी समझाओ कि है क्या मैं आपको संक्षेप में कहानी समझा देती हूँ ये है 2018 के अंदर एक नोटिस निकला था जिसमें ये बोला गया था कि पीएचडी मैंडेटरी है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए मतलब बनने के लिए आपको जरूरी होगी फिर एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ जिसमें बोला गया पी एच मैंडेटरी नहीं है फिर मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि एपीआई के अंदर तो पीएचडी के पच्चीस नंबर है तीस नंबर है वो कहाँ जाएंगे बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा अभी तक उस पर कोई क्लासिफिकेशन इनका दिया नहीं गया है कोई क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन भी नहीं आया है कुछ नहीं बताया है

छह लाख ,00 के आसपास लोग है ना लाख ,00, के के आसपास लोग हैं जो आप लोगों के हर साल एडमिशन लेते हैं पीएचडी के अंदर तो पूरा ये सिनेरियो ऐसा हुआ कि जब पीएचडी के अंदर आप लोगों को एंट्रेंस लेना होता है तो एंट्रेंस लेते समय आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है फिर एक इंटरव्यू राउंड होता है और उसके बाद आपको पीएचडी करने मिलती है अब सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट है हमारे देश के अंदर अगर आप पीएचडी के बारे में सोचते हो तो हर एक प्रोफेसर के पास में एक साल के अंदर दो एंट्रीज होती है आप ये मान लो अगर मैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ ठीक है ना अगर आई आई या आप लोगों के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना आपकी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो एक साल के अंदर हार्डली दो जैसे कल ही मैंने आई की मेरी एक दोस्त है उनसे बात की तो दो होती है अगर आई की बात करूँ तो चार से पांच हो जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी इतना ही लगभग होता है या नहीं कुल मिला के बहुत ही कम एंट्रेंसेज आप लोगों के पहुंच पाते हैं और कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है हर एक यूनिवर्सिटी को अलग से अपना पेपर लेना पड़ता है तो उस सब सारे झंझट को हटाते हुए इन्होंने क्या किया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को एक प्राइमरी क्राइटेरिया बना दिया ऑल्सो फॉर पी एंट्रेंस अभी तक हमारे पास में जे का पेपर होता था जे का पेपर आप देते थे तो या तो आपका एक ऐसा स्कोर आता था जिससे आप ओनली नेट होते थे जिसकी वजह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो या आप नेट के साथ में जे भी हो सकते थे जिसकी वजह से आप लोगों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप अमाउंट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो यानी अगर आप जे हो तो आपके नंबर थोड़े ज्यादा हैं और वो जो नंबर है जब आप वो लेके जाते हो तो बहुत सारी पीएचडी के लिए इंटरव्यूज जो आपके होते हैं डायरेक्टली आपको वहीं बैठना होता है कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी आपका नहीं लेती कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपना मतलब है वो ले सकती है है ना जैसे कि जे जामिया ऐसी यूनिवर्सिटीज जो है वो लेती है रिटर्न ले लेती है डेली यूनिवर्सिटी वो भी रिटर्न लेती है भले आप जे हो नहीं हो आप ऐसा नहीं है ठीक है बट स्टिल जे को बहुत ज़्यादा एज होता है हमेशा मैं बोलती हूँ एज इसलिए मिलता है क्योंकि जे है जो पीएचडी करने का पैसा है फंड है वो यूजीसी दे रहा है तो प्रोफेसर आपको इनटेक के लिए बहुत खुश होता है आराम से आप लोगों को ले लेता है अगर आपका इंटरव्यू ठीक जाता है तो आप हंड्रेड परसेंट सिलेक्टेड हो है ना आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कर रहे हैं और मैं लगातार उनसे जब बात करती हूँ उनका इंटरव्यू में क्या पूछा ये सुनती हूँ उनसे तो यही चीज समझ में आती है कि उनके लिए कंपेरेटिवली आसान हो जाती है एंट्री ये भी ठीक है अब हुआ ये है कि किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस नहीं रखा जाएगा और नेट के अंदर एक और कैटेगरी इन्होंने बना दी है नेट के स्कोर के अंदर ही ओनली फॉर पी यानी कि आप सभी लोगों के जो भी स्कोर आएंगे वो स्कोर तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे ऐसा इसके अंदर लिखा है देखो यूजीसी ने दो बार होता फलाना ढमकाना ये सब हमारे पता है मैंने यूनिवर्सिटी से जो एंट्रेंस एग्जाम करती है जो मैंने आपको बताया अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पीएचडी एंट्रेंसेज को एनरोलमेंट्स को कैसे ये लोग हैंडल कर ले उसके लिए इन्होंने एक कमिटी बनाई इस एक्सपर्ट कमिटी ने बोला की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जामिनेशन को ही प्राइमरी क्राइटेरिया बना के चलो और इन्होंने ऐसे बोला अपनी फाइव सेवेंटी एथ मीटिंग के अंदर तेरह मार्च को ये मीटिंग हुई थी जिसके अंदर इन्होंने बोला कि चौबीस पच्चीस से यानी कि इस जून दो हजार चौबीस से रूल लागू कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के लिए जो नेट का स्कोर होगा उसको यूज करके पी एच डी प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के अलाउ कर दिए जाएंगे कमाल की बात यहां पर ये यह है कि साफ साफ आप लोगों को तीन कैटेगरीज बना के दी गई है ये वाला पेज थोड़ा कम क्लियर है इस नीचे वाले पेज पे चलते हैं हाँ जी इस पेज को देखो जरा इस पेज में लिखा हुआ है कि जो आप लोगों की कैटेगरीज है वो तीन प्रकार की कैटेगरीज अभी बना दी गई है कैटेगरी नंबर वन है जिसके अंदर जे और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आप लोगों का ये एग्जाम है इसमें अगर आप लोगों का ये कैटेगरी में स्कोर आता है तो आप जे हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो और साथ ही साथ आप पी एडमिशन के लिए भी अलाउड हो

एक है जिसमें पीएचडी विद जे आर एफ कर सकते हो पी एच डी विदाउट जे आर एफ कर सकते हो और एक ऐसा स्कोर आएगा जो सिर्फ ओनली पी एच डी के लिए अलाउड होगा अब यहाँ पर जो जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका एक स्कोर आएगा है ना जब आपका नेट का एग्जाम होगा तो पूरा नेट के एग्जाम के अंदर तीन तरीके से आप लोगों के स्कोर को डिवाइड कर दिया जाएगा अभी तक दो की लिस्ट आती थी अब तीन कैटेगरी के अंदर आप लोगों को बोला जा रहा है कि स्कोर आ रहा है आप या तो ये पहले क्लियर करें कि क्या ये तीन अलग अलग, अलग लिस्ट के अंदर जैसे निकालते हैं ना कि नेट का अलग स्कोर आता है फिर जे ओनली एफ का अलग से स्कोर निकाले। या फिर ये ऐसा करने वाले हैं कि वहीं पर आपको रेंज दे, दे देंगे और अलग अलग, अलग यूनिवर्सिटी अपनी साइड से लिस्ट निकालेगी कि अगर आपका नेट स्कोर इतने से इतना है तो आप हमारी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो अगर आपका नेट का स्कोर इतने से इतना है तो हम साथ में आपको जेआरएफ के साथ में ले रहे हैं इतने से इतना स्कोर है तो हम जो है वो पीएचडी विदाउट जे आपको देंगे पर मुझे एक चीज यहाँ पर समझ नहीं आई कैटेगरी नंबर टू और कैटेगरी नंबर थ्री के अंदर एक्चुअली में देखा जाए तो कितना डिफरेंस है यानी क्या इसको नेट वाला स्टाइपन दिया जाएगा और इसको बिल्कुल ही कंप्लीटली कोई स्टाइपन नहीं दिया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टाइपन दिया जाएगा क्योंकि ये तो गारंटी है कि अगर आप पीएचडी करते हो तो पीएचडी करने का आपको पैसा मिलता है स्टाइपन तो मिलेगा मिले किसी भी तरीके के डिसर्टेशन या पीएचडी या डॉक्टरेट डिग्री में स्टाइपन मैंडेटरी है है ना जैसे एमटेक में मिलता है वैसे ही मिलेगा तो सही अब कितना मिलता है वो डिपेंड करता है अगर जे के साथ जाते हो तो आप लोगों को अड़तीस हजार रुपए महीना मिलता है केवल नेट के साथ जाते हो तो यूनिवर्सिटी टू तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है बट दस हजार बारह हजार रुपये आपको मिलते हैं अब यहां पर ये यह जो थर्ड वाला बना दिया है इन्होंने जिसमें ना नेट है ना जे आर एफ है उसको कितना स्टाइप देंगे ये कुछ क्लियर नहीं किया है ये कैसे ये एडमिशन प्रोसेस होगा ये भी क्लियर नहीं किया है पर जितना मैं आपको समझा सकती हूँ वो मैंने आपको समझाया जो मुझे समझ में आया पहले दो जो आपके स्कोर थे वो तीन कैटेगरी में अभी डिवाइड कर दिए जाएंगे और तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा देखा जाए तो पूरे की पूरी बात का जो ये कंक्लूजन है वो ये है कि जो नेट है उसकी आप लोगों की जो वर्थ है उसकी वैल्यू है वो आप लोगों की डबल हो गई है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो भी आपके लिए नेट जरूरी है अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हो तो भी आपको नेट तो देना ही पड़ेगा मैंडेटरी ही हो गया है कल ही मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो है वो नेट करना जरूरी नहीं है अब अगर देखो तो पूरा पासा ही पलट गया है अब जो है वो पीएचडी करने के लिए नेट देना आप लोगों को जरूरी हो गया क्योंकि अगर हर यूनिवर्सिटी इस एडमि इस स्कोर के अकॉर्डिंग ही एडमिशन लेगी तो ये तो फिर आप लोगों के लिए काम ख़राब हो गया अगर किसी को नेट नहीं करना था सिर्फ पीएचडी में इंटरेस्टेड थे तो ये तो फिर ऐसा वाला काम हो गया है और अगर आप लोग देखो तो गेट स्कोर होता है जैसे हर एक यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस के लिए गेट स्कोर चेक करती है बिल्कुल तो वैसे ही नेट स्कोर जो है उसकी वैल्यू तो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है एक और खास बात बताऊं यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट है जिसको मेंशन करके साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा नेट का तो वो जो है पर्सन के साथ साथ आपको नंबर भी दिए जाएंगे सो so दैट ये स्कोर जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस के तौर पर यूज कर सके जे आर एफ क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसका एडमिशन पीएचडी में हो जाएगा अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो आप लोगों का जे नहीं है या तो केवल नेट है पीएचडी के साथ में मतलब पी वाला एडमिशन का स्कोर भी आया है नेट भी आया है और कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका दोनों ही नेट और जे का तो स्कोर आया नहीं बट ओनली वाला पी का स्कोर आया तो वो बच्चे का जो है वो सेवेंटी थर्टी रेशियो के अंदर जो है वो डिविजन किया जाएगा एंट्रेंस के टाइम पर पी एंट्रेंस के टाइम पे सत्तर वेटेज जो है वो तो दिया जाएगा आपके नेट के स्कोर को तीस वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू के स्कोर को ठीक है यानी जो बच्चा जे है ना उसके लिए तो बस आप ये कह सकते हो कि ऐसे ही होगा इंटरव्यू मतलब उसके लिए इंटरव्यू का कुछ इतना खास होगा नहीं इन बच्चों के लिए इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोई रिटर्न नहीं होगा इंटरव्यू होगा क्योंकि जो जो रिटर्न का 70 का बेटी पहले होता था ना जो यूनिवर्सिटी खुद से लेती थी वो नेट से ही ले लेगी साथ ही साथ बोला हुआ है कि जिन बच्चों ने नेट का स्कोर कैटेगरी टू या कैटेगरी थ्री के अंदर जो लाए करते हैं उनके लिए ये जो अपॉइंटमेंट है ये जो स्कोर है ना पीएचडी वाला ये जो स्कोर है ये सिर्फ एक साल के लिए वैलिड रहेगा ठीक है यानी कि आप लोगों के एक ही साल तक अगर आज जून के अंदर पेपर देते हो और आप एलिजिबल हो जाते हो ओनली पीएचडी एडमिशन वाले कैटेगरी में तो आपका वो जो स्कोर है वो तो अगले जून तक ही वैलिड रहेगा उसके बाद नहीं रहेगा वैलिड ऐसा बोला हुआ है ऑल दो हमारा जे जो है वो तीन साल के लिए वैलिड रहता है ऑल तो इस पर भी अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं आया है कि भाई और कैसे फर्दर क्लासिफाई करेंगे ये स्कोर्स को ये भी नहीं बताया ऑल मैं जैसे बोली ओपन एंडेड है थोड़ा इनकम्प्लीट है बट हाँ मेन जो संक्षेप में मैं समझा सकती थी वो मैंने आपको समझाया एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं मेरी तो सुई जो है ना वो एपीआई पे अटकी हुई है अभी भी सारा कहानी सब कुछ इन्होंने बता दिया पी एडमिशन प्रोसेस को भी चलो इन्होंने अब इजी कर दिया है ना ओनली वन एग्जाम कर दिया जैसे कि सी के थ्रू अभी लेने लगे थे आपके जेएनयू जामिया वगैरह सब अब इन्होंने क्या कर दिया नेट के थ्रू लेना एंट्री कर दिया ये भी सही है सब बच्चे को समझ में आ गया अब सिलेबस प्रिस्क्राइब हो गया कि नेट का सिलेबस ही पढ़ना है नेट के बच्चों को थोड़ा डरने की जरूरत वन स्पेशली वो बहुत अच्छा आएगा हाँ पेपर टू तो आता ही अच्छा पेपर वन और भी अच्छा आने वाला है मेरे को ऐसा लगता है मैं आपको बता सकती हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी लोगों का अगर आप लोग 2023 वाला पेपर देखो दिसंबर का तो आप लोग ध्यान से देखना रिसर्च के अंदर टूल बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने लग गए हैं आईसीडी के अंदर न्यूमेरिकल टाइप प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन आने लग गए हैं ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों की जो है वो इंटीग्रेटेड विद सॉफ्टवेयर आने लग गए हैं यानी कि कुल मिला के पहले से ही मैंने आपको ये बोला भी था जब दिसंबर का पेपर का एनालिसिस मैं कर रही थी अड्डा चैनल के ऊपर तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बोला था कि पेपर का पैटर्न बदलने की बातचीत हो रही है और सिलेबस चेंज की बातें भी चल रही है एनटीए कब से बोल रहा है कि नेट का सिलेबस चेंज करूंगा तो यानी कि सारी की सारी बातें इसी की तरफ इंडिकेशन दे रही थी कि नेट का वेटेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब तो डबल हो गया है तो नेट के बच्चों को ध्यान रखना है कि पेपर थोड़ा अच्छा बनेगा तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि दो महीने की पढ़ाई से तीन महीने की पढ़ाई से ही हो जाता है काम चल जाता है तो मैं आपको ये कहूंगी अच्छा से लग के मिनिमम सात से आठ महीने की तैयारी करो एक साल की तैयारी बेस्ट तैयारी होती है वो करो तो ही फायदेमंद रहोगे तो ही चीजें अच्छे से थॉरली क्लियर रहेगी दूसरी जहां मेरी सुई अटकी है वो है एपीआई आप अगर नोटिस करो तो आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है इसमें जो है वो आप लोगों का जो पी है उसका जो स्कोर है वो तो अभी भी जैसे अगर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे जाऊं तो तीस तो नंबर का बनता है अब ये जो नंबर है ये क्या करें इसका तो कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं हुआ ना फर्दर कि ये किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे एक तरफ आप कह रहे हो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी देख रहे हैं तो सिर्फ नेट रिक्वायर्ड है पीएचडी रिक्वायर्ड ही नहीं है जब रिक्वायर्ड ही नहीं है तो पूरे पीएचडी के एडमिशंस के अंदर इतने चेंजेस करने का क्या सेंस है अगर सेंस नहीं है तो फिर एपीआई का क्या मतलब है जब एपीआई का मतलब है कि पीएचडी के एडमिशन हो गया सब हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली वैकेंसी के ऊपर दो बंदे बैठे एक है जो पीएचडी किया हुआ है एक है जो सिर्फ नेट किया हुआ है पीएचडी नहीं किया हुआ है उसका एपीआई जिसने पीएचडी किया है उसका एपीआई तो वैसे ही अच्छा होगा ना तो वो जो है उसका क्या होगा ये तो इंटरव्यू पे तो डिपेंडेंट होता है बस पीआई के साथ साथ एपीआई भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना तो वो जो एपीआई है क्या उसमें पी को नहीं कंसिडर किया जाएगा या उसका वेटेज इंटरव्यू बेसिस पे ज्यादा होगा ये सारी जो चीजें हैं ये मुझे लगता है डिस्कस करनी चाहिए और इस पर भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा जितना मुझे लगा कि मैं आपको समझा सकती थी वो मैंने आपको बताया कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो पर मैंने आप लोगों को बताई थी चीजें कि कैसे क्या आप लोगों का नेट चाहिए पीएचडी चाहिए वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी बट आज ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए इसीलिए मैंने आपको आज बताया फिलहाल के लिए बस इतना ही इस पर और फर्दर डिस्कशन जरूर करूंगी आपके जो डाउट्स है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट सेशन बाय बाय